सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला का आखिरी वक्त था। पहली रजब से आप अपने उस हुजरे में बंद हो गए जिसमें आज आप आराम फरमाएं, जहां पर आपकी कब्र है यही आपका घर था, यही आपकी झोपड़ी थी जिस पर गुंबद बना है। ये हुजरे के दरवाजे आपने बंद कर लिए, पहली रजब को जो गए दूसरी में बाहर नहीं, तीसरी में बाहर नहीं, चौथी में नहीं, पांचवी में नहीं, छह रजब तक दरवाजा नहीं खुला, ना कोई पानी बाहर से गया है ना कोई खाना बाहर से गया है। मुरीदीन इंतजार में थे कि शेख अब निकलेंगे कि अब तब निकलेंगे। छठी रजब तक जिक्रुल्लाह की आवाज आती थी जो सरकार गरीब नवाज रब्बाहु तआला का खास जिक्र था, लेकिन अचानक छह रजबुल मुरज्जब की दोपहर के वक्त जोहर का वक्त था, जिक्र की आवाज बंद हो गई। जिक्र की आवाज बंद हुई तो मौजूद जो आपके मुरीदीन मुतवस्सिरीन थे दरवाजा तोड़कर जब वो अंदर गए तो देखा एक चारपाई पर आप निहायत ही आराम से सोए हैं, आपकी पेशानी से पानी के कतरे टपक रहे हैं और जिस्म ऐसा लगता था जैसे कोई गुस्ल देकर के सुलाया। बहुत ही नफीस और उम्दा खुशबू उस चारपाई से आ रही है और जो मौजूद बुजुर्ग हैं वो फरमाते हैं जैसे ही हमने गरीब नवाज को पेशानी पर बोसा देने का इरादा किया आपकी पेशानी पर वाज़ेह तरीके से ये लिखा हुआ देखा, हाज़ा हबीबुल्लाह मात फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का हबीब है अल्लाह की मोहब्बत में चला गया। ये जुमला आज भी दरबारे गरीब नवाज की चौखट पे लिखा हुआ है। आज जाना तो इस जुमले को देखना कि गरीब नवाज की वफात के वक्त आपकी पेशानी पर यह जुमला लिखा हुआ था, वो अल्लाह वाला अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गया है और हजारों को नवाज करके गया, अब भी नवाज रहा है। दरबारे गरीब नवाज में हमारी अकीदत कबूल हो जाए। मौला हम अजमेर पहुंच ना सके, उस गरीब नवाज के दरबार तक हम गरीबों की आहें पहुंचा दे, हमारे सवालात वहां तक पहुंचा दे। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, अता तो तू ही करता है, दरवाजे गरीब नवाज से हम तेरी बारगाह में सवाल करते हैं। आज तेरे इस मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का यौमे विसाल है, उनकी शबे शशुम है मौला, इस शब की बरकत से हम सबके दिलों की अंधेरियों को दूर फरमा दे। उस शहनशाह हिंद के दरबार में हाजिर है संजर का वो इलाका, गरीब नवाज के वालिद गिरामी सैयद गियासुद्दीन रदी अल्लाह तआला और उनकी वालिदा बीबी उम्मुल वरा, दोनों हाफिज कुरान थे, दोनों आलिम थे। और ये तकरीबन 537 हिजरी के करीब का कुछ वाकया है। संजर का इलाका मशहूर था, पूरे के पूरे इलाके में जो लोग रहते थे वो कोई ऐसा नहीं था जो तहज्जुद ना पढ़ता। एक रात ऐसी आई, 13 रजबुल मुरज्जब तारीख ये बताई गई है, 13 रजब की तारीख थी और आसमान पर आधी रात में ही सफेदी जाहिर हो गई और इतनी सफेदी सी आई कि लोगों को गुमान होने लगा कि सुबह सादिक हो चुकी। सुबह की सफेदी जैसे नमूदार होती है, आधी रात में ही सफेदी जाहिर हुई तो जिसकी आंख खुली वो बेसाख्ता दौड़ता हुआ बाहर आया कि हाय मेरी तहज्जुद कजा हो गई। एक घर पर आसमान से झमाझम नूर की रोशनी बरस रही है, नूरानी कंदील लटकी हुई है और वो घर पता करने पर मालूम हुआ कि हजरत गियासुद्दीन रदी अल्लाह तआला अन्हु का घर है, बीबी उम्मुल वरा का घर है। तो कई तहज्जुद गुजार बुजुर्ग वहां पर जमा हुए हैं कि आधी रात में उजाला और इनके घर से उजाला। अभी ये सब कशमकश में थे कि गियासुद्दीन का दरवाजा खुला, एक दाया बाहर आई और मोइनुद्दीन की विलादत की खुशखबरी सुनाए।